नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः छायकमनन्तिमेकं त्रिकालसरिवार्तयुगपदभासम् सकल सुखधाम सततम वंदेहम केवलज्ञानम चारित्रं सर्वजनैश्चरितं प्रोक्तं च सर्वविशेषेभ्यः प्रणमामि पंचभेदं पंचम चारित्रिलाभाय कौर्डमुकारं अरिहंताणं तहेविसिद्धाडं आइरियोवसायाडं लोयम्यः सव्विसाहूडं अनंतानंत सिद्ध परमेश जी भगवान की आदि तीर्थंकर 1008 श्री आदिनाथ भगवान की 1008 श्री सुपार्श्वनाथ भगवान की वर्तमान शासन नायक 1008 भगवान श्री महावीर स्वामी की प्राकृतिक वांगमय के परम प्रोधा आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद भगवान की अध्यात्म योगी अध्यात्म रसरसिक परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की 3.9 करोड़ महामुनि राजों की जय बोलिएगा। श्रुत संवेगी परम पूज्य 108 मुनि श्री मुनिशोभृत सागर महामुनिराज की समस्त मुनि संघ की नमोस्तु ऋषिवर नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु मुनिवर। पुण्यक्षुक पुण्यार्थी भव्यात्माओं, आज इस उड़ीसा प्रदेश का अहोभाग्य है और उसमें भी इसी नबरंगपुर का अहोभाग्य है और उसमें भी कुछ विशेष पुण्यार्थी जीव हैं जो तीर्थंकर भगवान का पंचकल्याणक मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ये बड़ी दुर्लभ क्षण होती हैं, ये पुण्यात्मा जीव ही होते हैं जो तीर्थंकर जैसे महापुरुष के कल्याणक मनाने के लिए भाव बनाया करते हैं। यह श्री भगवान तीर्थंकर प्रभु की देशना मनुष्यों भव भव के कष्टों को दूर करने वाली है। जैसे एक भीषण गर्मी में एक बूंद एक छींटा हमारे ऊपर पानी का आ जाए तो अतीव शांति का वेदन होता है, ऐसे ही संसार में हर जीव को हर प्राणी को चक्रेश भाई इतना कष्ट है कि उसको एक निर्घंत योगीश्वर के दर्शन में हो जाए तो उसको मन पुलकित हो जाता है, आनंदित हो जाता है। यह तीर्थंकर प्रभु की पावन देशना मनुष्यो अरिहंत भाषित सिद्ध सिद्धित आचार्य आचार्यत उपाध्याय उपासित सर्व साधु साधित है। यह एक एक वर्ण जो है सनी भैया, पीयूष भैया, जो तीर्थंकर प्रभु की जो वाणी है, एक एक वर्ण मंत्र हुआ करता है। यह प्रभु की जो देशना है वह वैराग्य को बढ़ाने वाली है, आत्मानुभव कला को प्रदान करने वाली है, अतीव शांति को देने वाली है, कषायों को समन करने वाली कोई परम औषधि है। तो शीतल भैया वे तीर्थंकर प्रभु की पावन देशना है। यह तीर्थंकर प्रभु की पावन देशना जीव तत्व प्रकाशनी, अजीव अन्वेषणी, आश्रम निरोधनी, बंद विध्वंसनी, संभर संभरणी, निर्जरा निर्जरणी, पाप हरणी, पुण्य वर्धनी और मोक्ष पद प्रदायिनी है। जिन जिनको मोक्ष की इच्छा है, जिन जिनको भैया मोक्ष की इच्छा है, शांति की प्राप्ति की चाह है, वे दूर दूर से, कहीं राजस्थान से, कहीं उत्तर प्रदेश से, कहीं मध्य प्रदेश से, कहीं बिहार से, झारखंड से, अलग अलग स्थानों से आकर के बेटा पीयूष वे इस पंचकल्याणक में सहभागिता कर रहे हैं। एक वह पंडित जी, अशोक पंडित जी, एक वह जीव होता है कि जिसके घरों में तीर्थंकर जैसे महापुरुष आते हैं। एक वह व्यक्ति है, एक वह मां है जिसके घर में तीर्थंकर जैसी महापुरुष आते हैं, और एक वह व्यक्ति है, एक वह मां है जिसकी कोख में एक पापी भी जन्म नहीं ले रहा है। एक वह मां है जिसकी कोख से कंस ने जन्म लिया, एक वह मां है जिसकी कोख से रावण ने जन्म लिया, और एक वह मां है जिसने तीर्थंकर जैसे महापुरुष को जन्म दिया। विनोद भैया कहाँ गए? विनोद भैया, विनोद भैया आज विचार करना है। अब हम सबको आज अवलोकन का दिन है कि एक वह पुण्यात्मा जीव है कि जो तीर्थंकर जिसके घर में जन्म लेने वाली है, और एक वह महापुण्यशाली मां है जिसके घरों में तीर्थंकर आने वाले हैं, जिसके घरों में तीर्थंकर आने वाले हैं। नरेश भैया, एक वह भाग्यशाली माँ है जो अपने हाथों में तीर्थंकर बालक को लेगी। एक वह भाग्यशाली माँ है नरेश भैया कि जो तीर्थंकर बालक को अपने हाथ में लेगी, और एक वह दुर्भाग्यशाली माँ है जो उसी समय किसी नाली में नाली साफ कर रही होगी, कहीं वो सड़क पर गोबर बीन रही होगी। एक वह सौभाग्यशाली जीव है जो कलश लेकर के तीर्थंकर भगवान के शीश पर ढार रहा है। एक वह इतना पुण्यशाली जीव है कि गुरुओं के चरणों का प्रक्षालन कर रहा है, और एक वह व्यक्ति होगा जो अपने बच्चों को सोचा रहा होगा। हम सबको ये अवलोकन करना है कि ऐसा क्यों है आखिर। एक व्यक्ति तीर्थंकर प्रभु के शीश पर जल की धारा छोड़ रहा है मां, कितना पुण्यशाली जीव होगा। एक तो तीर्थंकर प्रभु का दर्शन ही दुर्लभ है, और तीर्थंकर प्रभु को जो जन्म देली माँ होती है, जो पिता होती हैं चक्रेश भाई, उनके लिए सौधर्म स्वर्ग के देव आकर के भी उनका सम्मान करती है। स्वर्ग के देव आकर के उस मां का और पिता का सम्मान करती हैं। विचार करना है माताओं, एक विचार करना है आपको कि हम मानते हैं कि पंचम काल है, आप तीर्थंकर भगवान को जन्म नहीं दे सकती हो। पंचम काल है, आप अवधि जानकीधारी मुनिराज को जन्म नहीं दे सकती हो। पंचम काल है, इसमें रिद्धिधारी मुनिराज को जन्म नहीं दे सकती हो। लेकिन ऐसी भावना तो बना सकती हो कि मेरी कोख से कोई मुनिराज का जन्म हो, कि मेरी कोख से किसी आर्य का बनने वाली बेटी का जन्म हो। नरेश भैया, जब कोई ये पंचकल्याणक महोत्सव चल रहा है उड़ीसा में, नबरंगपुर में, और जब कोई इस पंचकल्याणक के बैराग के दृश्य को देख करके यदि तुम्हारे उड़ीसा से कोई मुनिराज बन जाए तो आपको कैसा लगेगा दिनेश भैया? कैसा लगेगा माताओं? तुम्हारी नवरंगपुर से कोई मुनिराज बन जाए तो आपको कैसा लगेगा? मौन है सबका, बहुत अच्छा लगेगा। यदि कोई नवरंगपुर का ही कोई मुनिराज बन जाए और आपके परिवार का ही कोई मुनिराज बन जाए और फिर आप स्वयं ही मुनियारिका बन जाए तो कितना आनंद आएगा, क्या कितना है? जमनलाल भैया, जब अंतरंग में भक्ति होती है, अंतरंग में प्रभु की भक्ति का राग चढ़ता है तो दूर दूर से लोग आ जाया करते हैं। अब इस शहर का नाम क्या है? नवरंगपुर। तुम लोगों ने आज तक मोह का रंग चढ़ाया, राग का रंग चढ़ाया, लेकिन अब तुमको प्रभु की भक्ति का और गुरु की सेवा का रंग चढ़ाना है। और जब रंग चढ़ता है चक्रेश भाई, जब रंग चढ़ जाता है किसी चीज का तो पूरा का पूरा ढंग बदल जाता है, क्या? चाहे वह राग का रंग हो और चाहे वह बैराग का रंग हो। आप लोगों को रंग चला दिनेश भाई, जब तुमको राग का रंग चढ़ा तो तुम बिंदु को लेने के लिए ससुराल पहुंच गए, क्या विनोद भैया? आपको रंग चढ़ा तो तुम हेमलता को पहुंचने प्राप्त करने के लिए कहां पहुंचे? आगरा पहुंच गए। और सप्पू भैया को राग का रंग चढ़ा तो अर्चना को लेने के लिए कलकत्ता पहुंच गए। और जब महायज्ञ नायक को रंग चढ़ा आनंद भाई को तो सीमा तोड़कर की सीमा को लेने पहुंच गए। और जब यज्ञ नायक प्रदीप भाई को रंग चढ़ा राग का तो वह मंजू को लेने फिरोजाबाद पहुंच गए। और ईशान भाई को जब रंग चढ़ा, ईशान इंद्र पवन कुमार जी को रंग चढ़ा तो वे अपनी ससुराल पहुंच गए। और दिलीप भाई को, महेंद्र भाई को जब रंग चढ़ा तो उन्होंने ममता को प्राप्त कर लिया। और जब हेमंत भाई सनत कुमार, इनको रंग चढ़ा तो कहाँ गए आप? आगरा पहुंच गए। और जब तीर्थंकर प्रभु को बैराग्य का रंग चढ़ा तो वह 96,000 रानियों को छोड़ करके वन में चले गए। रंग चढ़ने की बात है। जब किसी व्यापारी को रंग चढ़ता है धन कमाने का तो वह 7 समंदर पार जाकर के व्यापार करता है और धन कमाने लगता है। आप सबको भक्ति का रंग चढ़ा, आप सबको बैराग का रंग चढ़ा तो आप सब घर छोड़ करके अपनी कीमती संपत्ति का दान करके और तीर्थंकर प्रभु की भक्ति के लिए अग्रसर हो रहे हो। नव रंग कितने होते रंग? सफेद, नीला, पीला, कीला, पता नहीं कितने रंग होते हैं। अब इन नव रंगों को छोड़ करके हमको अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय जिन धनम जिनागम जिन चित्त चित्तालय इन नव देवताओं की भक्ति का रंग चढ़ाना है। राग के रंग को छोड़ करके हमको बैराग का रंग चढ़ाना है। और आज प्रभु का गर्व कल्याणक है, प्रभु का गर्व कल्याणक है। कहां है भरत बाहुबली? भरत बाहुबली कहां है? अरे वाह, देखिए जब अवलोकन का दिन है कि कैसे उस माँ ने कौन सी भावना भाई थी, उस माँ ने कौन सा पुण्य किया था कि उसके गर्भ में तीर्थंकर आने वाले हैं। क्योंकि ध्यान रखना दिनेश भाई, ध्यान रखना अपनी ही करने का फल हमको मिलता है, कोई ईश्वर या गुरु हमारे करता नहीं है। हम जैसा कर्म करते हैं उसका फल हमको प्राप्त होता है। हम कृषक भी एक बीज को, यदि कृषक को जो फसल उगानी है वो उसी प्रकार का बीज खेत में बोता है। चक्रेश भाई, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आपने बबूल के कांटे खेत में डाल दिए और आम के पेड़ उगाए। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जो जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है, जो जीव तीर्थंकर बनता है, वह संपूर्ण लोक के जो जीव हैं उनके कल्याण की भावना को भाकर के वह तीर्थंकर पद को प्राप्त करता है। और जिस जीव के अंदर भगवान बनने की प्यास होती है वही श्रद्धा पूर्वक तीर्थंकर भगवान की वाणी को सुन सकता है। क्योंकि यह जो प्रवचन है वह तीर्थंकर के द्वारा प्रदान किया हो उपदेश है। आज हमें पीयूष भाई, हमें विचार करना है कि हम तीर्थंकर क्यों नहीं बने। चक्रेश भाई, हमें ये विचार करना है कि हम तीर्थंकर क्यों नहीं बने। और माताओं को विचार करना है कि हमारी कोख में तीर्थंकर क्यों नहीं आए। और पुरुषों को यह विचार करना है कि हम तीर्थंकर के पिता क्यों नहीं बने। एक वह जीव है कि जिस मरु देवी के गर्भ में तीर्थंकर बालक आने वाले हैं। चक्रेश भाई, एक वो मां है मरु देवी कि जिनकी गर्भ में तीर्थंकर बालक आने वाले हैं। और एक पिता है नाभि कुमार, नाभि राय, जिनके घर में तीर्थंकर बालक आने वाला है। तीर्थंकर बनने का अलग पुण्य है और तीर्थंकर के माता पिता बनने का अलग पुण्य है। क्या एक पाषाण वह है माताओं, एक पाषाण वह है कि जो आपके शौचालय में लगा हुआ है, और एक पाषाण वह है जो मंदिर की देहरी में लगा है, और एक पाषाण वह है सप्पू भैया जिस पाषाण से तीर्थंकर की प्रतिमा बनी हुई है। पाषाण तीनों है, पाषाण तीनों है पंडित जी। एक पाषाण वह है जो तीर्थंकर की प्रतिमा बन गया, एक पाषाण वह है कि वह मंदिर की देहरी पर चढ़ गया, एक पाषाण वह है जो शिखर बन करके बन गया, और एक पाषाण वह है जो आपके घर के संडासे में लगा हुआ है। ये सब पीयूष भाई पुण्य पाप की महिमा है, पुण्य पाप की महिमा है। जो हमने कर्म किया है पूर्व में, उस कर्म का उदय जब आता है, जब कर्म का उदय आता है कुबेर भाई, जब कर्म का उदय आता है, एक वह व्यक्ति है जो दाने दाने को तरस रहा है, जिसके पास दाना खाने के लिए नहीं है, और एक वह कुबेर इंद्र है जो रत्न बरसा रहा है। क्या चक्रेश भाई, आपने बहुत पंचकल्याणक देखे होंगे, लेकिन नबरंगपुर जैसे कुबेर आपने नहीं देखे होंगे। इन कुबेरों ने अपनी झोली खोल दी है कि हमने 500 साल में, 1000 साल में कभी हुआ होगा इस इतिहास में, उड़ीसा में पंचकल्याणक हजारों वर्ष बाद, और आज हम इतने रत्नों की वर्षा करेंगे कि पूरे विश्व में इस उड़ीसा के पंचकल्याणक की चर्चा हो जाएगी। कल कितने लोगों की समाचार आ रही थी कि महाराज जी कहाँ, हम तो सोच रहे थे उड़ीसा में कोई नहीं होगा, लेकिन इतनी सारी भीड़, आहार देने वालों की इतनी सारी भीड़, अगवानी में इतनी भीड़, पब्लिक कहां से आ गई? अरे जब तीर्थंकर प्रभु गर्भ में आते हैं तो स्वर्ग के देव भी धरती पर उतर आते हैं, और फिर जब तीर्थंकर प्रभु का पुण्य ही इतना होता है कि नवरंगपुर नहीं, पूरे छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के देव भी यहाँ आकर के उनके पंचकल्याणक को निहारने के लिए आ गए हैं। अरे पंचम काल में मान लो कि देव नहीं आते तो शीतल भाई चिंता नहीं करना, लेकिन देव जो कार्य करते थे उन देवों की सब व्यवस्थाएं देखो, पुलिस प्रशासन पूरा, हमारे टीकमगढ़ के वाद्य यंत्र वाले पंडित जी साहब, सब लोग आ चुके हैं। और कहीं कहीं तो पंडित जी, आपने हर पंचकल्याणक में देखा होगा कि 8 कुमारियां होती हैं, लेकिन यहां तो नवरंगपुर में 56 कुमारियां हैं। क्या पूरी की पूरी 56 कुमारियां, और इतने उत्साह में है कि पता नहीं कुबेर को, स्वधर्मेंद्र को कुछ करने में लगा कर नहीं। क्या इतना उत्साह, इतनी भक्ति, क्योंकि इनके अंदर प्रभु की रंग चढ़ गया है। जब एक रागी को राग चढ़ता है तो वह क्या करता है? तो वह ऐसे, किसी को प्यार हुआ कभी? प्यार, पंडित जी प्यार हुआ आपको किसी से? नहीं हुआ? आप सबको तो हुआ होगा, किसी को तो हुआ होगा इस सभा में प्यार। पीयूष भाई खड़े हो जाओ जरा, पीयूष भाई आपको प्यार हुआ किसी से? माँ से तो प्यार करते होंगे। अरे तुम लोग विपरीत ही क्यों सोचते हो, सम्यक भी तो सोच सकते हो। माँ से तो प्यार करते होगे, बहन से तो प्यार करते होगे। तो बेटा जब किसी के प्रति दुलार उत्पन्न होता है, तो जब एक माँ के अंदर दुलार उत्पन्न होता है, आपने विचार किया जब मां के गर्भ में संतान आती है, माताओं विचार करना आज, जब मां के गर्भ में संतान आती है और प्यार उमड़ता है, दुमरार उमड़ता है, तो मां के आंचल में दुख की धारा भर जाती है। ध्यान रखना, कभी भी जब तक गर्भ में संतान नहीं आती है और जब तक वो माँ दुलार से नहीं भरती है, उसके आंचल में दुग्ध की धारा कभी नहीं आ सकती है। जब तक वो दुलार से नहीं भरेगी तो दुग्ध की जगह पीयूष भाई रक्त की धारा निकल आती है। और जब कोई बछड़ा और एक नवप्रसूता गाय हो, मैंने अपनी आंखों से देखा, जब एक गाय नवप्रसूता बछड़े को जिस गाय ने जन्म दिया हो, और जब वे दुलार से बछड़े को देख रही है, तो अपने आप चारों थनों से दूध की धारा बहने लगती है। ये दुलार की बात है। जब किसी को राग का रंग चढ़ता है तो वह फिर नहीं देखता कि मेरे माता पिता कौन है, मेरा परिवार क्या है, राग की पूर्ति के लिए 7 समुद्र पार चला जाता है। और राग की ही महिमा है पंडित जी, ये राग की ही महिमा है कि ये पूरा संसार चल रहा है। राग न होता तो गृहस्थी का जाल में नहीं बचता। माताओं, आप सबका जन्म यहीं पर हुआ है। मौन है, सुनाई आ रहा है? आपको सुनाई आ रहा है क्या? हिंदी समझ में आती है आपको? अच्छा, आ रही है। तो मैं पूछ रहा हूं कि आप सबका जन्म यहीं पर हुआ है? नहीं हुआ। थोड़ा विचार करना, आज अपनी परिणामों का अवलोकन करना कि जिस माँ ने तुमको गर्भ में 9 माह तक रखा, अपने आंचल का दुग्ध पान कराया, तुम्हारे लिए शिक्षा दी, तुम्हारे लिए इतना योग्य बनाया, उस माँ के आंगन को छोड़ करके तुम यहां क्यों आ गए? विचार करना है, आज अवलोकन करना है। यदि राग का रंग न चढ़ा होता तो अपनी माँ के आंचल को छोड़ करके, अपनी माँ के आंगन को छोड़ करके कोई अन्यत्र रह ही नहीं सकता है। और राग का रंग चक्रेश भाई इतना ही नहीं चढ़ा है। अब अपनी माँ के घर जब ये जाती हैं और 3 दिन बाद कहने लगती है कि अब घर की ससुराल जाना है। अब अपनी माँ का आंगन भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि उनके अंदर राग का रंग चढ़ा हुआ है। लेकिन जब किसी भव्य प्राणी को बीतरागता का रंग चढ़ जाता है पीयूष भाई, तो फिर वह 96,000 रानियों को, वैभव को, सब कुछ राज पाठ छोड़ करके और केस लंचन प्रारंभ हो जाता है। ये बैराग का रंग है। और जिसको बैराग का रंग चढ़ जाता है, फिर वह नहीं देखता कि मेरी देह पर कौन उपसर्ग कर रहा है, मेरी देह पर कौन आरे चढ़ा रहा है, कौन मेरी देह पर, सिर पर जलती हुई सिगड़ी रख रहा है और कौन सिंह मेरे शरीर के मांस को खा रहा है। अप्पा अप्पम मेरा हो, वे निर्घंत योगीश्वर बीतरागता के रंग में ऐसे रंगती है कि वे देह के राग को भी छोड़ दिया करते हैं। वे मात्र अपने निरंजन भगवती स्वरूप में लीन होकर के निर्वाण को प्राप्त कर लिया करते हैं। ऐसे वह इस युग के प्रथम तीर्थंकर आदिश्वर स्वामी घरों में आने वाले हैं। तीर्थंकर घरों में आने वाले हैं। जब श्रमण लाल जी, कोई पता चल जाए अजी आपको कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके पंचकल्याणक में आने वाले हैं, तो यहाँ पर क्या हलचल हो जाएगी क्या? या आपको पता चल जाए कि हमारे उड़िया के मुख्यमंत्री है ना प्रवीण नवीन जी पटनायक जी आने वाले हैं, तो अभी सब जगह हलचल मच जाएगी। और लेकिन जब प्रधानमंत्री के आने पर, मुख्यमंत्री के आने पर हलचल मच जाती है, तो जब 3 लोग के नाथ तीर्थंकर आदिश्वर स्वामी घर में आएंगे और हलचल न मचे, ऐसी हो ही नहीं सकता है। अरे जब कोई सामान्य मुनिराज, जब हम लोग उड़ीसा की तरफ आ रहे थे, तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा चक्रेश जी, पहली बार इस नवरंग जिले में, उड़ीसा में मुनिराजों का पदार्पण हुआ। और आपको आश्चर्य ये होगा कि कोई सूचना नहीं, कुछ नहीं, जहां से हम निकलते अजैन बंधु भी श्री पर लेकर के चढ़ाने के लिए खड़े रहते। जब एक सामान्य मुनि निकलते हैं तो हलचल मच जाती है, और जब तीर्थंकर 3 लोग के नाथ घरों में आते हैं तो देवों में भी हलचल मच जाती है। क्या नबरंगपुर के पीयूष भाई, घबराना नहीं बिल्कुल। चक्रेश जी हैं तो पैसे की वर्षा कर देंगे, बिल्कुल नहीं घबराना। तो हाँ, पैसे की बिल्कुल चिंता नहीं करना। चक्रेश जी है ना, तो वो तो जानते हैं कि भैया आम का दल तो खाना ही है, गुटली में से भी तेल निकाल के बेच देना है। चिंता नहीं करना। हमारे चक्रेश भाई हैं, वो तो 1 रुपए की 5 अठन्नी मांगते हैं। क्या क्या बोले? 1 रुपया है तो 2 अठन्नी बनती है 1 रुपये में, लेकिन हमारे चक्रेश भाई 1 रुपये की 5 अठन्नी कैसे बनाना है, उनको ये कला बहुत अच्छे से आती है। लेकिन ज्ञानियों, एक बात ध्यान रखना है, हमारे लिए ये विचार करना है कि हम तीर्थंकर क्यों नहीं बने। क्या हम तीर्थंकर क्यों बने? यस भैया, सनी भैया, हम तीर्थंकर क्यों नहीं बने, ये हमको विचार करना है। हम तीर्थंकर क्यों नहीं बने? क्योंकि हमने अपने भावों को नहीं संभाला, क्योंकि हमने अपनी भावनाओं को नहीं संभाला। बेटा पीयूष, पूरा जीवन जो है, आधा जीवन तो निकल गया बाल सजाने में और बालाएं देखने में। अब बेटा जो आधा जीवन बचा है, सनी भैया, अपना तो मजाक में ही निकल गया। यही पता नहीं चल रहा कि मनुष्य है कि नहीं है। क्या वो तो भाई बिल्कुल, क्या बताएं। और एक वो ऋषभ है, छोटा सा बालक, 4 साल का ऋषु, वो छोटा ऋषभ। और हमारे सनी भाई मिल जाए, चक्रेश भाई आपको जरूरत हो कोई नाटक कंपनी की तो ऋषभ को और हमारे सनी भाई को कर देना खड़े। कितना बढ़िया नाटक करते हैं कि नाटक कंपनी फेल हो जाएगी इनके सामने। तो बेटा इस जीवन को, यश भैया, ऐसी निकालना है कि लोग जैसे तीर्थंकर को माता झुकाते हैं, वैसे तुम्हारे चरणों में लोग माता झुकाने लगे। विचार ये चढ़ाना है कि हमारे अंदर वीतरागता का रंग नहीं चढ़ा। यदि एक बार भी वीतरागता का रंग हमारे अंदर चढ़ जाता और वीतरागता का भाव हमारे अंदर आ जाता, वीतराग धर्म को यदि हम अंतरंग से सम्यक के साथ धारण कर लेते, तो हमारे लिए सबको भैया इस पंचम काल में जन्म लेना नहीं पड़ता। सबसे ज्यादा कोई दुख है तो वे जन्म का और मरण का है। सबसे ज्यादा कोई पीड़ा है तो वे जन्म और मरण में है। और अनादि काल से हम इस संसार में रहकर के जन्म मरण कर रहे हैं। इस जन्म मरण को एक वह तीर्थंकर भगवान होते हैं जो अंतिम जन्म लेते हैं। पंडित जी, तीर्थंकर भगवान इतना पुण्य करके आते हैं सप्पू भैया कि वह मनुष्य पर्याय का नहीं, वे कुल मिलाकर के पर्यायों का अंतिम जन्म लेते हैं। उनकी वो मनुष्य पर्याय अंतिम भव होती है। उसके बाद वह भवों को धारण नहीं करते हैं। नरेश भैया, वो तीर्थंकर भगवान ने ऐसे भाव बनाए, ऐसी वीतरागता की भावना धरी, ऐसे भावों से ओतप्रोत हुए और ऐसा वीतरागता का रंग उनको चढ़ा कि वह तीर्थंकर बन करके और तप करके संयम धारण करके निर्वाण को प्राप्त हो गए। आप भी चिंता नहीं करना, आपने ध्वजारोहण किया है। क्या क्या किया है? जैसे एक मंदिर के ऊपर शिखर चढ़ा करके ध्वजारोहण होता है, वैसे ही अपने जीवन में यदि कोई ध्वजारोहण है तो वह संयम धारण करके संलेखना प्राप्त करना है। आपने आज पंचकल्याणक का ध्वजारोहण किया, लेकिन जो भी साधक दीक्षा लेता है, संयम के मार्ग पर चलता है, उसका मात्र एक ही उद्देश्य होता है कि मैं अंतिम समय में संलेखना की ध्वजा चढ़ा करके अन्य पर्याय को गमन करूं। हमें आज अवलोकन करना है। सनी भैया, अवलोकन ये करना है कि हम तीर्थंकर क्यों नहीं बने। और ये भी मत सोचना सबको भैया कि हम मुनि नहीं बने। आगम में लिखा हुआ है अनंत बार मुनि बन कर अनंत बार ग्रेवक उपजायो, पे कछु ज्ञान बिना सुकलेश न पायो। इतनी बार हम मुनि बन चुके हैं सबको भाई, इतनी बार मुनि पद धारण कर चुके हैं कि यदि पिछी कमंडल का ढेर लगाया जाए तो एक सुमेरु खड़ा हो जाएगा। लेकिन मुनि बन करके ढंग का जीवन नहीं जी पाए, ढोंग का जीवन जीते रहे और मर करके पुनः दुर्गति में भ्रमण करते रहे। सम्यक को प्राप्त नहीं किया। भेष धारण करने से कभी भी भाव बन ही जाए निश्चित नहीं है। विचार करना है कि हम तीर्थंकर क्यों नहीं बने, क्योंकि हमारे चील जैसे परिणाम रहे। एक चील होता है भी आसमान में उड़ता है। सनी भैया एक चील होता है बेटा, वे आसमान में उड़ता है। एक आदमी है, उसके पास पंख नहीं है, वो नहीं उड़ सकता, वो धरती पर चलता है, लेकिन चील के लिए चल भी सकता है, उड़ भी सकता है। यस भैया, दिलीप भाई, वह चील आसमान में उड़ता है, लेकिन उसकी दृष्टि कहाँ होती है माताओं? भूमि में पड़े मांस के टुकड़े पर उसकी दृष्टि होती है। और एक चकोर होता है सप्पू भैया, वह चकोर भूमि पर बैठ करके चंद्रमा को निहारता है। एक व्यक्ति पंडित जी एक चील है, एक चील है। अजित पंडित जी, अशोक पंडित जी, एक चकोर है, वो भूमि पर बैठा हुआ है और आसमान में वे चंद्रमा को निहार रहा है, और एक चील है वो आकाश में उड़ रहा है और भूमि पे पड़े हुए मांस के टुकड़े पर उसकी दृष्टि है। एक वह जीव है सदगृहस्थ है, अपनी गृहस्थी को चला रहा है, दान कर रहा है, पूजा कर रहा है, और कदाचित दुकान पर बैठकर की भावना भा रहा है। कई लोग ऐसे होंगे कि नहीं आ पाए, मजबूरी है, लेकिन वहीं पर बैठी बैठी भावना भा रहे हैं कि जब किसी भी प्रदेश में, देश में, विश्व में, पूरी दुनिया में लोगों को पता है कि उड़ीसा में पंचकल्याणक महोत्सव चल रहा है, एक बेजीव होंगे कि घर में बैठकर के विचार कर रहे होंगे कि उड़ीसा में नबरंगपुर में अच्छे से पंचकल्याणक संपन्न हो, एक बेभावना भा रहे होंगे। और एक चील के प्रकार के लोग होंगे जो नवरंगपुर में ही रह करके कहीं पर समोसा खा रहे होंगे खड़े खड़े। ये विचार करने की आवश्यकता है कि हम सबका महापुण्य का उदय है कि आज हम तीर्थंकर प्रभु के गर्भ कल्याणक के अवसर पर उस तीर्थंकर प्रभु की देशना को सुन रहे हैं, जिससे कि हमारी असंख्यात गुण सैनी कर्मों की निर्जरा हो रही है। और इसी समय पर ऐसे भी लोग होंगे जो अपने घर के सामने झाड़ू लगा रहे होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो शराब पीकर के नाली में पड़े होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो अपने घर में बैठकर के टीवी देख रहे होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो अपनी पत्नी से लड़ रहे होंगे। चक्रेश भाई, नवरंगपुर की गलियों में जब निकलो, बड़ी छोटी छोटी गलियां हैं यहाँ पर, तो बड़े कान खोल करके जाना। और जिस घर में गालियों की आवाज आ रही हो, सनी भैया कर सकते जी काम, जिस घर में लड़ने झगड़ने की आवाज आ रही हो तो वहां पर लिख देना नारकियों का घर, क्योंकि वे नरक में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, नरक में जाने का अभ्यास कर रहे हैं। और जिस घर में मधुर तीर्थंकर प्रभु की वाणी सुन रहे हो, मधुर वार्ता कर रहे हो, उसमें लिख देना भावी देवों का घर। जो व्यक्ति अपने घर में कलह करता है, लड़ता है, झगड़ता है, वो समझ लेना कुछ कहना नहीं, भैया ने डंडा से तेरे सर फोड़ दें, देख करके आ जाना बस। जिस घर में कलह होता हो, जिस घर में ईर्ष्या होती हो, जिस घर में अपने माता पिता की सेवा नहीं होती है, समझ लो कि वे भावी नारकियों का घर है। जो माँ, जो बहू अपने सास ससुर की सेवा ना करती हो, सम्मान ना करती हो, उसके घर में कभी भी तीर्थंकर जैसे बालक नहीं आ सकती है। क्या जो अपने बड़ों की विनय नहीं कर सकता है, जिस बेटी ने अपने पूज्य पिताश्री को, जिसने उन्हें जन्म दिया, संपत्ति दी, संस्कार दी, उस वृद्ध माता पिता को घर से बाहर निकाल देता है और हिस्सा लेने के लिए लड़ाई झगड़ा करता है, उसके घर में कभी भी, उसके घर में तीर्थंकर जन्म नहीं ले सकती है। तीर्थंकर उसी माँ के घर में आते हैं जो सुशील हो, जिसने पूर्व भाव में संयम का पालन किया हो, जो विनय से संपन्न हो, उसी माँ के घर में तीर्थंकर बालक घर में आ सकते हैं। अब सबको विचार करना है कि अभी तो और भी तीर्थंकर होंगे भविष्य में, कम से कम ये विचार करना है कि तीर्थंकर भगवान मेरे घर में ना आए तो कम से कम कोई मुनिराज ही मेरे घर में आ जाए। अब वो कितनी सौभाग्यशाली माँ है जिसके घर में अपने अपूर्वा नंजी आए होंगे, और वो कितनी सौभाग्यशाली माँ है जिसके घर में आरिका श्रममती माताजी आई होंगी। आज उनको गौरव होता कि नहीं होता है कि हमारे परिवार से दीक्षा को धारण कर लिया, और कहीं पीयूष भाई आपके परिवार में तीर्थंकर का जन्म हो गया तो तुम ऐसे चलोगे जैसे मोदी जी चलते हैं क्या? तीर्थंकर भगवान का जन्म हो गया तो मोदी जी कहाँ लगते हैं फिर तो विचार करना है कि हम तीर्थंकर क्यों नहीं बने, क्योंकि हमने ढोंग का जीवन जिया, हमने ढंग का जीवन नहीं जिया। एक वह आदमी है पंडित जी, अजित पंडित जी, एक वह आदमी है कि जो आदमी होकर के स्वर्ग जैसे सुख भोग रहा है। विचार करना है सप्पू भैया, एक वह आदमी है पंडित जी, अशोक कुमार जी, पंडित जी, अजित भैया, एक वह आदमी है कि जो भगवान नहीं है, जो देव नहीं है, जो देव नहीं है, जो भगवान नहीं है, लेकिन फिर भी इस संसार में उसका देवों की तरह सम्मान हुआ करता है। और एक वह आदमी है जो मनुष्य होकर के भी स्वान की जिंदगी जिया करता है। एक वह स्वान है, सनी भाई सबके दिन एक से नहीं होते, एक वह स्वान है कि आप जैसे बाबूजी उस स्वान को गाड़ी में बिठा करके घुमाते हैं। समझना जरा बात को, कितना पुण्यशाली जीव है कि सनी भाई जैसे सेठ लोग उस स्वान को नहलाते हैं और बिस्किट खिलाते हैं और अपनी गाड़ी में बैठा करके उसको घुमाने ले जाते हैं। और वह एक ऐसा पापी इंसान है कि जिसका बेटा उसे रोटी का टुकड़ा भी नहीं खिला रहा है। पर को दोष नहीं देना है। यदि यदि भैया जम्मन लाल जी आपका बेटा भी आपसे कहे कि आप घर से निकल जाओ तो आप एक बार उसको धन्यवाद देना और एक बार श्री राम को निहारना कि श्री राम को दशरथ ने आदेश दे दिया। ध्यान रखना, उनको वनवास नहीं दिया था उन्होंने, मात्र उन्होंने लक्ष्मण को राज्य दिया था। लेकिन श्री राम ने विचार किया यदि मैं यहां रहूंगा तो लक्ष्मण भरत को कोई भी राजा नहीं मानेगा, स्वयं वो वनवास को चले गए। उस समय विचार करना कि ये मेरे ही कर्मों का उदय है और आज वह कर्म उदय में आया है। किसी को दोष नहीं देना। विचार क्या करना है हमको कि हम तीर्थंकर क्यों नहीं बने, हम तीर्थंकर क्यों नहीं बने। क्या एक वह व्यक्ति है, एक वह व्यक्ति है जो डोली में बैठकर के जा रहा है। माताओं ध्यान दो मेरी बात पर। एक वह व्यक्ति है, आप तो पुराने जमाने में याद करो जब किसी की शादी होती थी तो उस बहू को डोली में बिठाते थे। एक वह कन्या है जो डोली के अंदर बैठी हुई है, उसके गले में स्वर्ण के आभूषण डले हुए हैं और स्वर्ण से लदी हुई है, और कुछ व्यक्ति उस डोली को उठा करके जा रहे हैं। आचार्य भगवान कहते हैं, आचार्य भगवान कहते हैं कि बेटा कहीं कोई शास्त्र पढ़ने मत जाओ, ये सामने देख लो जो डोली में बैठा है वो पुण्यात्मा है और जो डोली उठा करके चल रहा है वो पापात्मा जीव है। विचार करना है। जब गर्भ की ही रक्षा नहीं होगी तो जन्म कहां से होगा। गर्भ की रक्षा की बात है, और जब गर्भ ही धारण नहीं होगा तो जन्म कहां से होगा, और जब जन्म ही नहीं होगा तो हमारी समाज कहां से आएगी। पीयूष भाई एक बात ध्यान रखना बेटा, कुछ हमने ठेका नहीं ले रखा है कोई जनसंख्या कम करने का। क्या आप तो शादी करना तो खूब बच्चे करना जिससे अच्छी समाज हमारी बने। क्या या तो तुम बैराग के पद पर चलना और बैराग के पद पर चल करके खूब दीक्षाएं देना, और दीक्षा ना दो बैराग का रंग ना चढ़े, नहीं तो फिर राग का रंग चढ़े, तो कम से कम ऐसे बेटे पैदा करना जो जन शासन की ध्वजा लेकर के आगे दौड़ते चले। बंधुओं विचार करना है कि हम तीर्थंकर क्यों नहीं बने। आचार्य गौतम स्वामी महाराज प्रतिक्रमण सूत्र में लिखते हैं, हा दुट्ट चिंतियम। प्रतिक्रमण सूत्र में लिखते हैं, हा दुट्ट चिंतियम, हा दुट्ट भाष्यम, हा दुट्ट कयम। हम तीर्थंकर क्यों नहीं बने, क्योंकि हमने दुट्ट चिंतन किया। हमने भवों भवों में जन्म लेकर के चारों गति में भ्रमण करने का मूल कोई कारण है तो जितना पाप व्यक्ति अपने पाप भोग करके नहीं करता है उतने पाप से अधिक हजारों गुना पाप में सोच सोच करके कर्म का आश्रय किया करता है। एक महामच्छ होता है। क्या महामच्छ होता है? इतना बड़ा होता है कि पूरा नबरंगपुर उसके मुख में आ जाएगा, और एक उस महामच्छ के कान में तंदुल के बवा पर मछली रहती है। चावल समझते हैं आप लोग? तंदुल मतलब चावल, चावल के बराबर एक उसके कान के मल में मछली रहती है, लेकिन वह महामच्छ कि मुख में बहुत सारी जीव आते हैं, चले जाते हैं, आते हैं, चले जाते हैं। वो किसी का भक्षण नहीं कर रहा है, लेकिन कान में बैठा हुआ तंदुल मच्छ विचार करता है, अरे कैसा मूर्ख है कि इतने सारे जीव आ रहे हैं फिर भी नहीं खा रहा है। यदि मेरी सामर्थ होती तो मैं पूरे के पूरे खा लेता। क्या तो वह तंदुल मच्छ ऐसे पाप की भावना करके 7वें नरक में जाता है, और एक वह तीर्थंकर आत्मा होती है, सर्व जीवों के कल्याण की भावना मात्र से वह तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके तीर्थंकर होता है। दिलीप भाई कहाँ गए? दिलीप भाई बैठे हैं क्या? सबसे पीछे। अरे दिलीप भाई मित्र, होटल करते हो? इधर आओ, आगे आओ। यहां दिलीप भाई, आज तीर्थंकर भगवान गर्भ में आने वाले हैं। कुछ प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, क्योंकि प्रभु का प्रवचन हो, प्रभु की देशना खिरे और किसी को बैराग ना हो तो वो देशना किस काम की। दिलीप भाई आपको भगवान बनना है तो मित्र, होटल में जो जितनी हिंसा होती है, एक बूंद अनछने प्राणी में 36,400 जीव तो वैज्ञानिक कहते हैं। एक बूंद अनछनीय पानी की एक मानी भूमि पर गिरा दी, उसके फल में उसको 7 भव तक सुअर होना पड़ा, 7 भव पर कुकरी होना पड़ा, ऐसे अनंत भव उसने प्राप्त किए। अब सोचना हमें है कि हम ऐसे व्यापार नहीं करना कि जिससे महाहिंसा हो। धन कमाने के साथ साथ धर्म भी कमाना है। धर्म के साथ धन कमाओगे तो वह धन तुम्हारे जीवन को धन्य कर देगा, और धर्म खोकर के चक्रेश भाई ये अपना सौभाग्य मानना, महा अहोभाग्य मानना कि तुमको तीर्थंकर भगवान की पंचकल्याणक की वेदी पर खड़े होकर के कुछ कहने का अवसर मिल रहा है। ये अहोभाग, कितनी सारी भवों में तुमने पुण्य कमाया होगा कि लोग तो लाखों लाखों दान देने, अभी देखो कितने लोगों ने दान दिया लाखों का, लेकिन उनको माइक पकड़ने का सौभाग्य नहीं मिला। लेकिन तुमने दान नहीं दिया फिर भी तुमको माइक मिला, ये क्या है? पूर्व पुण्य का उदय है। तो दिलीप भाई विचार कर लेना आज। वाह, देखिए आज दिलीप भाई ने सौगंध ली है कि आज के बाद हम होटल का व्यापार नहीं करेंगे। बहुत अच्छी, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा है। और पूरे विश्व के लोगों को ये सीखना चाहिए कि हम धन तो कमाएंगे लेकिन धर्म के साथ कमाएंगे, क्योंकि धर्म के साथ कमाया गया धन ही हमारे जीवन को धन्य कर सकता है, हमारे परिवार को धन्य कर सकता है, हमारे समाज और राष्ट्र को धन्य कर सकता है। जिस धन में हमारा पूरा धर्म ही नाश हो जाए, ऐसा धन हमारे लिए नहीं कमाना है, क्योंकि अपने भाग्य में होगा, अपने पुण्य में होगा तो निश्चित रूप से हमारे लिए धन की प्राप्ति होगी। और हमें विचार करना है कि हा दुट्ट कयम, मैंने दुट्ट विचारों के माध्यम से कर्म का आश्रय किया, मैंने दुष्ट भाषा बोलकर के कर्मों का आश्रय किया, मैंने दुष्ट कार्य करके कर्मों का आश्रय किया, और इन कर्म के आश्रय कर करके मैंने संसार में भ्रमण किया है, दुखों को प्राप्त किया है। आनंद आ रहा है आपको? अभी तो तीर्थंकर प्रभु का समोसन नहीं लगा है क्या? अभी तो जब तीर्थंकर प्रभु का समोसरण लगेगा तो कितना आनंद आने वाला है। तो पीयूष भाई सबको पूरे उड़ीसा प्रदेश में और पूरे भारत में ये खबर कर दो कि यहाँ पर तीर्थंकर भगवान का समोसरण लगने वाला है, और चारों गतियों की जीव तो नहीं आ सकते हैं, नारकी तो नहीं आ सकते हैं, लेकिन देव और त्रियंच और मनुष्य समोसरण में आते हैं। तो जब त्रियंच समोसरण में आ सकते हैं तो जैन हो या अजैन हो, वे न समझे कि ये जैनियों का कार्यक्रम है, नहीं, ये प्राणी मात्र का उत्सव है, और प्राणी मात्र के लिए, विश्व के कल्याण के लिए पंचकल्याणक हो रहा है। और इस भावना से कि आज हमें चिंतन करना है कि हम तीर्थंकर क्यों नहीं बने, और ये चिंतन करना है कि मरुदेवी के ही गर्भ में आदि कुमार ने क्यों गर्भ धारण किया। ये चिंतन करना है कि आज हमने पंचम काल में क्यों जन्म लिया। हमको चील नहीं बनना है, हमको चकोर बनना है। प्रमोद भाई हमको चील नहीं बनना है, हमको चकोर बनना है। पवन भाई कहाँ गए जिनवानी चैनल? भैया चील नहीं बनना, चकोर बनना। श्री जी चैनल, बेटा भैया कैंची मत बनो, सुई बनो। कैंची लोगों को काटती है, लेकिन सुई के धागे से वस्त्र भी जुड़ जाता है। कैंची मत बनो, क्या बनो? और प्रभु के पास जाकर के, तीर्थंकर प्रभु के पास जाकर के ऐसे भाव बनाओ कि हे प्रभु मैं तीर्थंकर माताओं, ये विचार करना, भगवान के पास जाकर के आज विचार करना। जब तीर्थंकर घर में आए तो विचार करना कि इस पंचम काल में मैं तीर्थंकर को जन्म नहीं दे सकती, लेकिन ऐसा बालक मेरी कोख से हो कि वह श्रमण बन करके इस धरती पर विचरण करे। इन्हीं मंगल भावों के साथ कि यह पंचकल्याणक महामहोत्सव, निश्चित ही आज ध्वजारोहण हुआ और पूर्व दिशा की ओर जब ध्वजा फहराई तो यह निश्चित ही सानंद और शांतिपूर्ण होने वाला है। और पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद पूरा पूरा हमारे लिए है। और संपूर्ण संसार में इस धरती पर जितने भी श्रमण विचरण कर रहे हैं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मंगल भावना भाना है कि हे गुरुवर, हे श्रमणराज, हे आचार्य परमेष्ठी, हमारे लिए ऐसा सुभाषीष दें कि इस उड़ीसा की धरती पर पूरे विश्व की श्रमण संस्कृति का जयनाद हो, संकनाद हो और यह महामहोत्सव विश्व शांति में कारण बने। इन्हीं मंगल भावों के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान श्री गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज की जय, पंचकल्याणक महामहोत्सव की जय। बोलिएगा परम